Easy English। तो कैसे हैं दोस्तों आप? इजी इंग्लिश में फिर से आपका स्वागत है। इजी इंग्लिश बाय संदीप जोड़ा। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम पैसिव वॉइस का फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस करेंगे। अगर आपने सही मायने में इंग्लिश सीखनी है तो ये मेरी 19वीं वीडियो है, 19वीं। आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने वहां से स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप वाकई में सही ढंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, हमारे सामने, मेरे सामने क्या चैलेंज था? मेरे सामने ये चैलेंज था कि यूट्यूब पे चैनल्स तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉपर चैनल नहीं है जो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाए। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं कि मैं बच्चों को, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाए। तो ये मेरी 19वीं वीडियो है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, पहले टेंस की, एक्टिव वॉइस की। अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं कि इंग्लिश हमें क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो चार वीडियो पहले भी बनाई हुई है टेंस सीखने से पहले। प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है कि टेंस सीखने से पहले ये वीडियो देखिए। आप वहां से स्टार्टिंग कीजिए विद इन 20 डेज में। 20 डेज में मैं तो कहूँ विद इन 10 डेज में आपको पता चल जाएगा आप सही रास्ते पे चल रहे हो। किसी भी वीडियो की कोई भी आपने सेंटेंस देखने हैं तो सभी के डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, आप उन पे क्लिक करना तो आप सेंटेंस डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। आज हम पैसिव वॉइस का कर रहे हैं, पैसिव वॉइस थर्ड, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। हमें पता है कोई फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या आती है? गा गेगी। देखिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, टेंस का नाम सेम रहता है और पहचान सेम रहती है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट नहीं लगाते। पैसिव वॉइस भी अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो पैसिव वॉइस जो फर्स्ट वीडियो है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, आप वो देखिए, वहां आपको बेटर पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस होता क्या है, स्कूल में क्या कंसेप्ट है, एक्चुअल में कितना बड़ा कंसेप्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की क्या फॉर्मेशन होगी? अब हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे। फ्यूचर में कोई भी फ्यूचर का टेंस हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, विल शैल जरूर आएगा। विल शैल, अगर वो कोई कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज फिनिश खत्म कर दिया गया है, लोग करते ही नहीं, तो वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप शैल का यूज कर रहे हो तो गलत नहीं होगा। हमें पता है आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल, बी और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आम खाया जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर हम स्कूल में तो सिखाते हैं कि बाय लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। एक्चुअल में, रियल यूज में, पैसिव वाइज में बाय का यूज नहीं होता। आप लिटरेचर में जब देखोगे 99.9% बाय नहीं लगा होता, सीधा सेंटेंस बनता है। स्टार्ट करते हैं। आम खाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट पहले मैंगो, विल बी ईटन। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में बताए ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम नोट लगा देंगे, विल शैल प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वाइज चाहे कोई भी हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। पत्र नहीं लिखा जाएगा, फिर हमने इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट लगा देंगे लेटर, विल शैल में विल, फिर नॉट। वेरी गुड, मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग नोट करते नहीं करते। यहां पे मैंने बी नहीं लगाया था, थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, लेटर विल नॉट बी रिटन। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। हमें पता है किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे, विल शैल ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। सेंटेंस है, क्या फुटबॉल खेली जाएगी?
अगर बार बार आपको लगता है कि यहां भी जाएगा आ रहा है, यहां भी जाएगा जाएगा, तो हिंदी में पैसिव वाइज की पहचान होती है जाएगा। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो पैसिव वाइज की देख सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, विल, ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, बी प्लेड। तो क्या फुटबॉल खेली जाएगी? विल फुटबॉल बी प्लेड। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक बात और ध्यान रखिए आप, किसी भी कोई भी टेंस हो, चाहे एक्टिव वाइज हो चाहे पैसिव वाइज हो, किसी भी टेंस का फोर्थ रूल बनाना है, थर्ड रूल सारा लिख देंगे, बस ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो फॉर्मेशन बनेगी विल शैल, ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। क्या पत्र नहीं लिखा जाएगा? तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? विल शैल में लगा देंगे विल, ऑब्जेक्ट लेटर नॉट बी रिटन। इसके बाद हमारा फिफ्थ और सिक्स रूल भी आता है। ज्यादातर स्कूल्स में फिफ्थ और सिक्स रूल नहीं करवाया जाता, लेकिन वो किया जाना चाहिए, जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसकी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम इंटरोगेटिव एडवर्ब, फिफ्थ रूल, इंटरोगेटिव एडवर्ब। हमें पता है किसी भी टेंस का फिफ्थ रूल बनाना हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव वाइज हो, डब्ल्यू एच के बाद थर्ड रूल सारा लगा देंगे। डब्ल्यू एच विल शैल, ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। पेन क्यों बेचा जाएगा? तो सबसे पहले डब्ल्यू एच क्यों, वाई। डब्ल्यू एच के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, इसमें बताया गया कि डब्ल्यू एच क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है। वाई विल पेन बी बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड। इसके बाद सिक्स रूल है हमारा, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। किसी भी टेंस का सिक्स रूल बनाना हो, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, डब्ल्यू एच लिखने के बाद फोर्थ रूल सारा लगा दो आप। तो डब्ल्यू एच विल शैल, ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। उन्हें कब नहीं पीटा जाएगा? तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? सबसे पहले डब्ल्यू एच कब, व्हेन, विल दे नॉट बी बीटन। ये हमारा ये टेंस फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखनी है तो फर्स्ट टेंस से शुरू कीजिए। अगर आप बिना वहां से शुरू करें यहां आ रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आप मेरा प्रयास सफल लगता है आपको कि आप वाकई में इंग्लिश सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछिए। आप जितने क्वेश्चन आप पूछोगे मैं उन सभी का ही रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।